नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। कांग्रेस सरकार फिर से कराएगी व्यापम घोटाले की जांच पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। कहा कि कांग्रेस सरकार जब से बनी है तब से लगातार सरकार इस प्रयास में है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फंसाया जाए। कांग्रेस सरकार तमाम प्रकार की जांचों की बात कर रही है। अभी तक किसी भी जाँच में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। जहां तक व्यापम का सवाल है, उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई सभी स्थानों पर गए हैं और सभी संस्थाओं से यह निर्णय आया है कि किसी भी जांच में किसी भी तरह से आरोप कांग्रेस सरकार लगा रही है, व्यापम का वह सिद्ध नहीं हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लगातार सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसी न किसी तरह से फंसाया जाए। तमाम प्रकार की जांचों की बात सरकार कर रही है। अभी तक किसी भी जांच में कोई प्रमाण सरकार को भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय के नहीं मिले। जहां तक व्यापम का सवाल है, व्यापम में उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई सभी स्थानों पर गए हैं और सभी संस्थाओं के निर्णय आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया है, हाई कोर्ट का भी निर्णय आया है, सीबीआई की भी जांच रिपोर्ट आई है और किसी भी जांच में, व्यापम में किसी भी तरह से जो आरोप है कांग्रेस का, वो आरोप सही नहीं पाए गए। और इसलिए और भी जिस प्रकार से जांच सरकार कराना चाहती है, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। जितने भी प्रकार से जिन भी मामलों की सरकार जांच कराती है, उन सब का स्वागत। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।